हेलो एवरीवन। तो आज का व्लॉग कुछ ऐसे होने वाला है। मैंने हेलमेट मंगाया था स्टील बर्ड का, ठीक है, तो उसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। तो अभी अमेजोन से ऑर्डर किया था, वो भैया का फोन आया कि घर पे ही हो क्या, मतलब उनको एड्रेस वगैरह तो पता ही है, घर पे देने आते रहते हैं, तो इसलिए उन्होंने पूछा घर पे ही हो क्या। अभी वो देने आएंगे तो मैं कम्प्लीटली आपको उसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा। स्टील बर्ड का है, 2000 के आसपास है, जैसे कि मोटो व्लॉगिंग करनी थी तो उसके लिए मैंने ऑर्डर किया था। तो अभी आ जाता है, फिर मैं आपको कम्प्लीटली दिखाऊंगा। तो अभी पार्सल आ गया है जो कि हेलमेट मंगवाया था। क्या हाल है? ओटीपी बताऊं? वीडियो रोकनी पड़ेगी। आया नहीं अभी। एक सेकंड। पानी पियोगे? बस ये ठीक है। धन्यवाद। क्या ठीक? तो ये हमारा हेलमेट आ गया है, तो इसको जल्दी से अनबॉक्स करेंगे अभी, तो आपको भी दिखा दूंगा। तो वो भैया अभी उधर पार्सल देने गए हैं, तब तक कह के गए हैं कि बाइक का ध्यान रखना, कोई और पार्सल ना निकाल के ले जाए। तो मैं बाहर ही खड़ा हूँ अभी, फिर इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे अंदर जाकर जल्दी से। मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है कि मतलब हेलमेट आ गया। तो ये रहा मेरे पास हैंड में हेलमेट है, तो अभी जल्दी से इसको अनबॉक्स कर लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। तो मैंने इसको मंगवा तो लिया, अब देखते हैं कहीं पोपट वगैरह ना हो जाए इसके साइज़ को लेकर या कुछ भी। तो चलते हैं अभी रूम में, तो जल्दी से इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये रहा फाइनली हमारा हेलमेट। तो मैं कंप्लीटली दिख नहीं रहा, थोड़ा सा इसको सेट कर देते हैं इस ओके। तो मेन आपको हेलमेट दिखाना था तो इसलिए फ़ोन नहीं कर सेट कर। तो ये रहा हेलमेट, तब जल्दी से इसको ओपन कर लेते हैं। फाइनली हेलमेट आ गया है। तो ये अलग से आई थिंक ये स्मोक के लिए, ठीक है, तो ये काफ़ी सही लगेगा। ब्लैक वाला ही मैं लगाने वाला हूँ इस पर, तो अभी फिर भी देख लेते हैं ये भी सही है या नहीं। ओके सही। तो ये रहा हेलमेट, तो अब इसको निकालने वाला हूँ मैं, तो जल्दी से दिल को थाम लो अपने। तो मैं भी ओ भाई, और वाओ दैट्स ग्रेट, लिटरली इतना ओसम लग रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम मैंने इस तरह का मतलब हेलमेट बाय किया, ठीक है, देखा भी फर्स्ट टाइम ही है मैंने, तो ऐसा नहीं कि बहुत बार देखा या कुछ भी। तो ये देख सकते हो, तो इसका प्राइस है 2000 रुपीज़। आपको क्लोजली मैं दिखा दूँ किस वजह से है। अभी इसके साइज़ का मेन मेरे को था कि साइज़ पूरा आएगा या नहीं, वैसे मैंने मतलब नाप लिया था इंची टेप वगैरह से कि हाँ ये साइज़ मुझे ऑर्डर करना चाहिए। ये साइज़ है एल है, एम एल, हाँ ये एल साइज़ है, ठीक है। तो अभी इसको वियर करके देखता हूँ सबसे पहले मैं, और ये इस वजह से यहाँ से ये लगा हुआ आ जाता है। ये रहा साइज़ का, इसमें एक्स लार्ज भी आ जाता है, तो वहाँ पे था नहीं, ये अवेलेबल नहीं थे, इसमें लार्ज और मीडियम ही अवेलेबल है। तो आप लेना चाहो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं, तो आप ले सकते हो, ठीक है। अभी इसको ओपन कर लेते हैं, और इसके कलर्स भी काफ़ी सारे अवेलेबल हैं, तो अब इसको पहन कर देखते हैं सबसे पहले। तो मैंने चोटी कर रखी है, कोई दिक्कत नहीं है वैसे। तो यहाँ पे ये बटन है इसके लिए, ये देख सकते हो। तो यही मेरे को मिल नहीं रहा था अभी, वही सारी है। ओके, तो इसको डाउन करते हैं, तो इससे ऊपर होगा ये। इस वजह से ये लगेगा, लुक देखो क्या लुक है। तो साइज मुझे थोड़ा टाइट लगा ये कोज इसके अंदर, ये जो देखने को मिल जाते हैं ना साइड में, ये इस वजह से ये चीज़, इसको क्या बोलते हैं, कुशन या कुछ भी बोल लो इसको, ये कुशन नहीं हुए मतलब कुछ भी मान लो यार, ठीक है। तो इसको रिमूव भी कर सकते हैं, ये देखो, तो इसीलिए मैंने इसको ऑर्डर किया, इसको अच्छे से रिमूव करके और फिर साथ में यहाँ पे माइक वगैरह लगाया जा सकता है। तो ये इस वजह से रिमूव हो जाते हैं अच्छे से, ये कम्प्लीटली इसको वॉश भी कर सकते हैं अपन। तो अभी इसको अगेन से लगा देता हूँ मैं। तो
तो ठीक है ये इस वजह से ओके। तो अभी मैंने कम्प्लीटली इसको देख लिया, अभी इसमें क्या कुछ आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे एक तो आपको हवा क्रॉस के लिए देखने को मिल जाता है, जैसे ही आप इसको पीछे करोगे यहाँ पे कुछ अंदर मतलब चीज़ दी गई है तो उससे हवा क्रॉस होने लग जाएगी, और जैसे ही इसको आगे कर दोगे तो हवा मतलब अंदर नहीं जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे हवा जाएगी तो निकलेगी कहाँ से, तो ये देख सकते हो बैक में, ठीक है। यहाँ से हवा पास होगी, इस वजह से जाएगी और यहाँ से क्रॉस हो जाएगी, ठीक है। और फ्रंट से भी आपको हवा के लिए देखने को मिल जाता है इस वजह से, ठीक है। इसको अप कर दोगे तो ये बंद हो जाएगा, ठीक है। डाउन कर दोगे तो आवाज आएगी। अगर आप मोटो व्लॉगिंग करने वाले हो तो यहाँ पर तो आपका वो लग जाने वाला है, माउंट करोगे यहाँ पे आप, ठीक है, कैमरा वगैरह, तो उससे यहाँ से तो हवा जाएगी नहीं, तो इसलिए यहाँ से काफ़ी सही हवा जाएगी। अब यहाँ पर फ्रंट में इस वजह से है, अब इसको रिमूव कर लेते हैं। सो दिस वाह, ठीक है। इसमें ब्लैक कलर का भी आपको देखने को मिल जाता है, तो मैं अभी या तो ब्लैक भी लगाऊंगा, बाद में देख सकता हूँ क्या यूज़ करूँगा। तो इसको रिमूव करना मुझे नहीं आया ये कैसे, मतलब मिरर इसका रिमूव होगा फ्रंट वाला, तो वो तो चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये चीज़ ये ओपन कहाँ से होता है, इसको ऐसा नहीं कि वो जैसे नॉर्मल हेलमेट आते हैं ना स्टड वगैरह के, ऐसे ऊपर की ऐसे ओपन होगा, नहीं। यहाँ पर एक बटन दिया गया, इसको अपन ने प्रेस किया, वो ओपन हो गया, ठीक है। इस वजह से एक बंद किया और ये सेकंड बंद हो गया, ठीक है। इस वजह से ये बंद होगा, और यहाँ से ऐसा नहीं कि कोई मतलब गैप रह जाता है या कुछ ऐसा भी देखने को नहीं मिला, ये कहाँ से चिपक गया। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये हेलमेट, तो अगर आपको परचेज़ करना है कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैंने आपको पहन कर दिखाई दिया, स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा सा लगा कि ऐसे काफ़ी ज़्यादा बल्की सा है, मतलब टाइट फील हो रहा है ऐसा लगा, बिकॉज ये कुशन से इसके थोड़े मतलब कुशन बोलो या कुछ भी बोलो, ठीक है यार, अब ऐसे मेरे को इतना ज़्यादा ये देख सकते हो, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा ऐसे दब जाएंगे थोड़ा आप इसको पहनोगे तो, उसके बाद में ये सही फिट आएगा। तो अपना साइज़ आपको कैसे ऑर्डर करना है, अगर करना है तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये मैं आपको फ्रंट यहाँ पे फ़ोटो शो कर दूंगा साइड में, तो आपको इंची टेप ले लेना है सेंटीमीटर, उससे नापने यहाँ से इंची टेप लगा कर, इंची टेप को यहाँ से लगा कर आपको यहाँ तक ले जाना है, ठीक है। उसके बाद जो आपका मतलब आता है यहाँ पे सेंटीमीटर, जैसे 57 से 58 के बीच में आता है, तो आपको वो वाला ले लेना है, मतलब एल साइज़ ले लेना है, ठीक है। अगर 55 से 56 के बीच में आता है तो आपको एम वाला ऑर्डर करना होगा, ठीक है। तो मैंने एल साइज़ ऑर्डर किया है, इसमें एक्स लार्ज मिल नहीं रहा, इसका अवेलेबल नहीं है, पर आपको लेना है तो ये ले सकते हो, और काफ़ी मजबूत है, ठीक है। कल को गिरता भी हूँ तो कुछ ऐसा नहीं कि मुझे लगने वाली है, तो काफ़ी सही है। तो ये मैंने एक बार इन्वेस्ट किया काफ़ी अच्छे में, ऐसा नहीं कि मतलब सस्ता सा लेकर फिर मतलब महंगे पे इन्वेस्ट करो बाद में, तो ऐसा नहीं, एक बार अच्छे पे इन्वेस्ट कर लिया तो अब इसको ले लिया, अब इसको यूज़ करेंगे जब भी मतलब मोटो व्लॉगिंग करेंगे। इस पे कम्प्लीटली मैं अपना सेटअप लगाने वाला हूँ मोटो व्लॉगिंग का, तो उसकी वीडियो भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो एक बार फिर से पहन कर दिखा देता हूँ, तो ये इस वजह से एक सेकंड आपको देखने मिल जाता है, ठीक है। तो इसको भी चेक कर लेना खोल के, ताकि मतलब ये टूटा हुआ ना आया हो या कुछ भी ऐसा ना देखने को मिले आपको। वाइजर बोलते हैं आई थिंक, वाइजर शीशा जो भी है, ये इस वजह से, ठीक है। तो अब ये रिमूव कैसे होगा वो मैं थोड़ा सीख लूँगा, उसके बाद इसको लगा लेंगे ब्लैक को, ओल्ड ब्लैक कितना गज़ब लगेगा। तो अभी भी इसका ऐसे पता नहीं लग रहा कि ये वाइट में है, ये इस वजह से लग जाएगा ब्लैक वाला, तो इसको भी यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको इसको परचेज़ करना है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक बार फिर से मैं इसको पहन कर दिखा देता हूँ किस वजह से है। सो या मुझे अपनी चोटी खोलनी पड़ेगी मुझे लग रहा है, तो अपना हेयर बैंड भी रिमूव कर लिया, अब इसको पहनते हैं। तो ये कम्प्लीटली आ गया आप देख सकते हो, तो इससे से सही है, पूरा फिट है ये, ठीक है। तो इसी वजह से अगर आपको ऑर्डर करना है कर सकते हो। तो अभी मैंने इसका ब्लैक वाइज़र लगा लिया, तो आप देख सकते हो थोड़ा सा टफ था लगाना, बट लगा लिया मैंने। तो अब मुझे अभी लगाना आ गया किस वजह से लगेगा, यहाँ से इसको रिमूव करना होता है, तो अभी मैं इसको भी रिमूव कर लेता हूँ, दिखा देता हूँ कैसा लगता है। तो इसको हटाने का अलग ही मजा, अब आ रहा ओल्ड ब्लैक का लुक, तो ये काफ़ी ओसम लगने वाला अब, ठीक है।
और आपको मैंने एक साइज़ नहीं दिखाया, तो साइड में साइज इसका मेंशन किया गया है, इस बॉक्स पे मेंशन है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो 600 mm यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। तो 600 mm का मतलब है, यहाँ पे देख सकते हो एल साइज़ मेंशन है 600 mm पे, ठीक है। तो एल ही इसका अवेलेबल था, तो अभी मैंने इसको पहना तो यहाँ पे मेरे पिंपल हो रहा था, वो फूट गया। तो अभी बस यही था, ठीक है। अगर आपको परचेज़ करना है कर लेना, काफ़ी अच्छा हेलमेट है और सेफ्टी वगैरह के लिए भी काफ़ी सही है। तो अभी इसके साथ कुछ थंबनेल के लिए पिक्स वगैरह मैं ले लेता हूँ। तो यही था आज का व्लॉग, बस इतना ही था। तो आज अनबॉक्सिंग की है हेलमेट की, ठीक है। तो अभी इसका कंप्लीट सेटअप भी बनाएंगे, मोटो व्लॉगिंग करेंगे जब, तो अभी मोटो व्लॉगिंग मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। तो जल्दी से ये कम्प्लीटली सेटअप जैसे करूँगा, जो पार्ट्स वगैरह मैंने ऑर्डर कर रखे हैं वो कम्प्लीटली आपको दिखाने वाला हूँ। तो इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना अगर वीडियो पसंद आई तो। इसको परचेज करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहाँ से आपको कम प्राइस में ओरिजिनल इसका बाय करना है तो कर सकते हो, ठीक है। और भी काफ़ी सारे कलर्स अवेलेबल है, तो आपको मैंने शो कर ही दिए होंगे स्टार्टिंग में, ठीक है। तो परचेज करना कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।